नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। शैलेश ढोरे की खास खबर पर एक नजर। जिला परिषद के चुनाव के साथ साथ पंचायत समिति का चुनाव होने जा रहा है। सिल्लेवाड़ा पंचायत समिति से पत्रकार राहुल तिवारी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार दी है, जहां राहुल तिवारी ने जनता के हित में चुनाव लड़ने की बात कही है। सभी जात धर्म के लोगों को एक साथ लेकर जनहित में काम करने का संघर्ष लिया है। आइए देखते हैं बीएस क्राइम इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से राहुल तिवारी ने क्या कहा। नागपुर जिला परिषद और पंचायत समिति की बात की जाए तो जहां पर नागपुर जिला के चुनाव आने वाले 7 तारीख को है, जहां पर उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं। और इस समय जिस तरह से देखा जा रहा है कि नागपुर जिला परिषद में हम लोग खड़े हुए वल्ली जिला परिषद के अंतर्गत आने वाला सिल्लेवाड़ा पंचायत समिति के हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मेरे साथ में कांग्रेस के पंचायत समिति सिल्लेवाड़ा के उम्मीदवार राहुल तिवारी जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर पहली बार पंचायत समिति के उम्मीदवार के तहत उन्होंने फॉर्म भरा है। क्या विजन है, जनता का विकास कैसा होने वाला है आने वाले समय में, इस पंचायत समिति को किस तरह से देखते हो? चले मिलते राहुल तिवारी से, स्वागत है आपका प्राइम इंडिया न्यूज पर। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपका, जिस तरह से मैं अगर कैरियर की बात किया हूँ तो एक पत्रकार से पॉलिटिक्स, और पिछले बार भी आप पॉलिटिक्स के तहत में बहुत सारे ऐसे खास कार्य बताते हैं। पंचायत समिति सिल्लेवाड़ा में आप कांग्रेस की ओर से आपको टिकट नवाजा है, आपको सुनील बाबू केदार में आपको विश्वास के पात्र रखकर यहाँ से टिकट दिए, क्या कहेंगे जनता से? सबसे पहले मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी गाँव के नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे टिकट देने के लिए आमदार साहब से बोला। आमदार साहब आपको पता है वो लोक नेता है, आमदार बहुत सारे होते हैं लेकिन लोक नेता हर कोई नहीं होता है। जिस तरीके से आज आमदार साहब ने 27,000 वोट का दमदार तरीके से दिखाया कि सुनील बाबू अपने आप एक सरकार है, उन्हें किसी सरकार की जरूरत नहीं है, और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ता है। मैं दोस्तों बता दूं कि मैं पहले किसी और पक्ष में काम करता था, किसी पक्ष के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, पक्ष बुरा नहीं होता लेकिन इंसान गलत होते हैं। 1999 से मैं बीजेपी में जुड़ा हुआ था, सिर्फ वहाँ पक्ष में कैसा है, लोग जोड़ना, लोगों का यूज करना, लोगों को मदद करना नहीं करना, सिर्फ लोगों को अपना पेट भरो, अपना राजनीति करो, अपना राजनीतिक करियर देखो। आज सत्ता में लोगों का रहा, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इस चुनाव के 2 या 3 महीने पहले जो चुनाव खत्म हुए उसमें आमदार साहब के साथ कुछ जुड़ा, और आमदार साहब ने जिस तरीके से मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा मान सम्मान दिया, मैं दिल से आमदार साहब का अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों मैं सबके सामने बोलता हूँ, कसम खाता हूँ मैं कि जब तक इस शरीर में जान रहेगा तो सुनील बाबू के बन के रहूंगा चाहे जो हो जाए। राहुल तिवारी जी, यहाँ से जो सिल्लेवाड़ा पंचायत समिति, जिला परिषद वल्ली और पंचायत समिति चनकापुर पे, यहाँ पर तीनों उम्मीदवार के तहत यहाँ पर चुनाव मैदान में है। आने वाले समय में 7 तारीख को दर्शकों यहाँ पर वोट की गिनती, वोट पड़ने वाले, और 8 तारीख को यहाँ पर चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। देखना है कि यहाँ की जनता, जो वल्ली की जनता, किसको सर पर जीत का ताज पहनाती, ये तो देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश ढोरे, क्राइम इंडिया न्यूज, नागपुर। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।